वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड से जो नोटों का पहाड़ मिला था उस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और झारखंड के मंत्री जो है कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, 36 करोड़ रुपए की नकदी नौकर के यहां से बरामद हुई थी। नोटों का पहाड़ मिला था झारखंड में, उसके बाद ये चर्चा में आए थे। इसके बाद इनका नाम भी सामने आया क्योंकि जो नौकर था इनके पीएस का नौकर था जिसके यहां से 36 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और उसके बाद इनको ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। ये मंगलवार यानी कि 14 मई को पूछताछ के लिए पहुंचे। 11 बजे सुबह ये ईडी कार्यालय पहुंच गए थे। उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद 9 घंटे की पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि ईडी ने हाल ही में आलम के सचिव संजीव लाल, उनके नौकर जहांगीर आलम, बिल्डर मुन्ना सिंह और उनके करीबियों समेत 9 ठिकाने पर छापेमारी की थी। कार्रवाई राज्य ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं के मामले में की गई थी। छापेमारी के तहत रांची से एक 2 बेडरूम फ्लैट में छापा मारा गया। यह फ्लैट कथित तौर पर संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम का है। फ्लैट से ईडी ने 32 करोड़ रुपए बरामद किए थे और बाकी जगहों पर जो छापेमारी हुई थी वहां से लगभग 4 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी। इस तरह से कुल 36 करोड़ रुपए की नकदी इस मामले में बरामद हुई थी। ईडी ने आलम के सचिव और नौकर को छापेमारी के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और अदालत ने इन दोनों की 6 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया था। इनसे खुलासे के बाद आलमगीर आलम से पूछताछ हुई और अब आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार किया गया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती है। के न्यूज़ राष्ट्र के नाम।